ऑनलाइन एकेडमी के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला वीडियो इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप सभी ने देखा था, सराहा था, और पहले वीडियो को देखने, सराहने और सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी का दूसरा वीडियो आपके सामने है और आज हम राजस्थान में खनिज संपदा धार्मिक खनिज के बारे में विस्तार से पढ़ें। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के दूसरे सेगमेंट राजस्थान में खनिज संपदा धार्मिक खनिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस हेतु आप संपर्क कर सकते हैं सार्थक ई मित्र कार्यालय फौज मोहल्ला नाथद द्वारा श्रीनाथ जी। राजस्थान का देश के कुल खनिज उत्पादन में योगदान 22% है, जबकि राज्य देश के कुल खनिज उत्पादन का 15% धात्विक खनिज तथा 25% अधात्विक खनिज व 26% लघु श्रेणी के खनिज उत्पादित करता है। राजस्थान का कुल खनिज उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि खनिजों की आय की दृष्टि से 5वां स्थान है। अलोह धातु जैसे सीसा, तांबा व जस्ता में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, जबकि लौह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का 4था स्थान है। जास्पर वोलेस्टोनाइट व गार में इसका सूत्र है जावे का। जास्पर वोलेस्टोनाइट व गारनेट के उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है, अर्थात मोनोपोली रखता है। 11 खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। ये 11 खनिज इस प्रकार है: नंबर 1 फेल्सपार, नंबर 2 फ्लोराइड, नंबर 3 रॉक फॉस्फेट, नंबर 4 टंगस्टन, नंबर 5 एस्बेस्टस, नंबर 6 मार्बल, नंबर 7 सोप स्टोन, नंबर 8 चांदी, नंबर 9 सीसा, नंबर 10 जस्ता और नंबर 11 जिप्सम। राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। उदयपुर के देवारी में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में स्थापित है, जबकि चंदेरिया चित्तौड़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित है, जो कि एशिया में प्रथम स्थान रखता है। अब हम खनिज का नाम, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक भंडार तथा भंडार महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला खनिज है मैंगनीज। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडार भी बांसवाड़ा में ही है। बांसवाड़ा के लीलवाना और काला कुआ क्षेत्र में मैंगनीज बहुत आयत में मिलता है। सवाईमाधोपुर के रेसा नामक क्षेत्र में मैंगनीज बहुत आयत में मिलता है, जबकि उदयपुर के देवारी सरूपुरा में मैंगनीज बहुत आयत में मिलता है। इसी तरह से राजसमंद के नेगड़िया नामक स्थान पर मैंगनीज बहुत आयत में मिलता है। दूसरा है बेरिलियम। बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन तथा सर्वाधिक भंडार दोनों उदयपुर में ही होते हैं, अर्थात बेरिलियम की दृष्टि से उदयपुर संपन्न है। उदयपुर के शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा में बेरिलियम सर्वाधिक मिलता है। राजसमंद के आमेट क्षेत्र में बेरिलियम का सर्वाधिक भंडार है। इसी तरह से अजमेर के बांदर सिंदरी नामक जगह पर बेरिलियम पाया जाता है। तीसरा खनिज हम पढ़ेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में है, जबकि सर्वाधिक भंडार उदयपुर में है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार या खनन जयपुर के मोरिजा मालवा में होता है। इसी तरह से उदयपुर के थूर हुंडेर में भी लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। नाथरा की माल उदयपुर भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दौसा जिले का नीमला रायसेना क्षेत्र भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
झुंझुनू का डाबला सिंगाला नामक क्षेत्र भी लो आयरस्क्रीन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से सीकर का नीम का थाना क्षेत्र भी लो आयरस्क्रीन के लिए प्रसिद्ध है। चौथा खनिज है सीसा, जस्ता और चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी के सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है, जबकि सीसा, जस्ता और चांदी का सर्वाधिक भंडार उदयपुर में है। सीसा, जस्ता और चांदी का उदयपुर में सर्वाधिक भंडार है देवारी और जावर में, भीलवाड़ा के रामपुरा अंगूचा में और राजसमंद के राजपुरा दरीबा में सीसा, जस्ता और चांदी का सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी तरह से सीसा, जस्ता और चांदी का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन सवाई माधोपुर के चौथ का भरवाड़ा क्षेत्र में मिलता है। पांचवा खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन नागौर जिले में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक भंडार नागौर जिले में ही मिलता है। टंगस्टन की दृष्टि से नागौर का रेवत पहाड़ी जो कि डेगाना में है समृद्ध है। इसी तरह से टंगस्टन की दृष्टि से नागौर जिले का बिंजाथल नामक क्षेत्र भी समृद्ध है। टंगस्टन की दृष्टि से सिरोही का रेवद, आबू और वालदा क्षेत्र भी संपन्न है, समृद्ध है। टंगस्टन पाली के नाना और कराब नामक जगहों में पर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। छठा खनिज है तांबा। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन झुंझुनू में होता है और सर्वाधिक भंडार झुंझुनू में ही मिलता है। तांबे की दृष्टि से झुंझुनू का खेतड़ी और सिंगाला क्षेत्र पहले नंबर पर है, जबकि तांबे की दृष्टि से बीकानेर का बीदासन नामक क्षेत्र भी संपन्न है। सीकर के रघुनाथपुरा नामक गांव में भी तांबा के जमाव पाए जाते हैं। इसी तरह से अलवर जिले के खोदरीबा नामक क्षेत्र में भी तांबा का जमाव पाया जाता है। सातवां खनिज है सोना। सोना का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडार भी बांसवाड़ा में पाया जाता है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा के जगपुरा और अनंतपुर और भूकिया नामक जगहों से होता है, जबकि सिरोही के बसंतगढ़ और अजारी नामक क्षेत्रों से भी सोने का उत्पादन और खनन होता है। इसी तरह से उदयपुर के रायपुर और खेड़ा नामक जगहों से भी सोने का उत्पादन और भंडार मिला है। सोने का दोहन सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया था, लेकिन सोना ज्यादा गहराई में मिलने के कारण यह दोहन संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, तांबे का उत्पादन और भंडार उदयपुर के अंजनी और सलूंबर तथा राजसमंद के रेलमंगरा और देलवाड़ा जगहों पर भी होता है। नमस्कार। जिनाजी की बाबा नगरी में सीए, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन संबंधी कोर्स के लिए आप चॉइस कैरियर एंड कॉमर्स क्लासेस पर संपर्क करें। यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षण जो है वह करवाया जाता है तथा अभी सीएसपीटी के प्रथम वर्ष में ही इस संस्थान ने उदयपुर संभाग में 88वां स्थान अपने पहले प्रयास में प्राप्त किया है, जिसके लिए श्री गिरिराज जी कुमावत जो कि इसके निदेशक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में भी वे इस प्रकार के परिणामों को देने के लिए तत्पर हैं। इसलिए आप जरूर संपर्क करें और सेवा का एक बार मौका जरूर दें। धन्यवाद। ऑनलाइन अकेडमी के वीडियोस आप सब तक पहुंच रहे हैं और आपको हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। आप इसी तरह इन्हें देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज जो कि मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी के नाम से है उसको भी लाइक करें और उसको शेयर करते रहें। हम आपके सामने इस प्रकार के राजस्थान जीके के वीडियो पहुंचाते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।